Assalamualaikum all of you bhai, jaisa ki mujhse kaha gaya tha tutorial ke liye, to I am going to tell you about this look. Magar usse pehle aur sabse pehle main makeup karne se pehle apni skin moisturize karungi, wo karungi pond's lotion se, jo ki bahut zyada important hota hai ki hame jab bhi makeup karna hota hai, you have to nourish your skin before doing any makeup, kyunki isse hi hoga ki hamara jo ek look acha aayega, dusra ye ki foundation acche se absorb ho jayega. Aur sabse pehle jo hai main Christine ke is brow kit se eyebrow ko sahi kar rahi hu, fill kar rahi hu, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट काम है. दूसरी बात, ये अब मैं क्लीन यानी कि एक फिनिशिंग लुक दूंगी आइवरी से, और मैं उसको एज अ कंसीलर भी यूज़ करती हूँ. अब इसके ऊपर इसके बाद जो है मैं अपनी आंखों पे भी लगा लूँगी ताकि मेरा ये आई बेस बन जाएगा. उसके बाद ये होगा कि मेरा बड़ा अच्छा सा वाव आईब्रोज कैसे उठाई है ना मैंने, ये होगा कि जो है क्या नाम है, बड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा कि एक बड़ा मज़ा आएगा मुझे अपना आई मेकअप करने के लिए. अब ये मैंने शश के दिखाए अपने किसके हैं ये ब्यूटी ब्लेंडर सो कॉल्ड के. और अभी ये मेरे पास जो मुझे बताने क्या जैकलिन फर्नांडिस का जो मेरे पास आई शेडो पैलेट है, मैं वो लगा रही हूँ. उससे पहले मैंने ट्रांजिशन कलर लगाया अपनी आँखों पे. अब मैं लगाऊंगी डार्क ब्राउन कलर जो मेरा फेवरेट कलर है पर्सनली भी. उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से मर्ज कर दूँगी, बड़े प्यारे से स्मच करूँगी, क्योंकि स्मच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये मैंने ब्लैक कलर लगा दिया है. ये ब्लैक कलर मैंने अपने आई लाइनर से लगाया, क्योंकि आई लाइनर का जो ब्लैक कलर होता है बड़ा अच्छा होता है. ये मैं लगा रही हूँ कॉपर कलर, कॉपर ग्लिटर कलर है, और इसको देख के मैं हैरान हो गई कि इतना अच्छा कलर है. बाकी बहुत पिगमेंटेड है ये बेसिकली. इसके बाद जो है मैं ये अरे फॉक्सी आई एकदम लग रही है ना, अब लगाऊंगी लाइनर. लाइनर लगाना है बड़ी मौत आती है वैसे मुझे सीरियसली, लेकिन बस ट्यूटोरियल के लिए शश के दिखाने तो लगाना पड़ रहा है यार. मुझे सोचा था ऑफिस में लगाऊंगी, लेकिन बस दिखा रही हूँ मैं आपको कि ऐसे लगाती हूँ मैं आई लाइनर. बहुत मुश्किल है यकीन जाने मेरे लिए आई लाइनर लगाना, जबकि लोग समझते हैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ इसमें. मुझे इसकी कॉर्नर नोक ही नहीं बन रही थी, नोक पढ़ी लिखी चाहिए तो वो नहीं बन रहा था. और मैंने इसको अपने आई शेडो के साथ मिक्स भी किया. अच्छा, ये मैंने अपना फेस साफ़ किया, और अब मैं आईलिड के अंडर आईलिड जो है मैं अपना जो बचा हुआ ब्रश के अंदर लाइनर था वही लगा रही हूँ. और अब मैं इसको इसके बाद जो है स्मच कर लूँगी, थोड़ा फैलाऊँगी ताकि वो बहुत वाइल्ड लुक दे, क्योंकि मुझे वाइल्ड मेकअप करना था ना एकदम खौफनाक तरीके का. उसके बाद अपनी आँखों के अंदर ये कौन सी पेंसिल है यार, पता नहीं कौन सी, बस काजल लगा लिया. अब मैं इसके बाद जो है ये जो है क्लीन करूँगी कंसीलर से ही, और ये ज़रूर कीजिए क्योंकि इसके बाद ये होता है कि जो बड़ा फिनिशिंग सा लुक आता है आपके आईज़ का, और मुझे वैसे ही बहुत पॉइंटेड चाहिए था तो मुझे ये करना था. अब उसके बाद मेरा मुँह बचा हुआ है, अब मैं मुँह के ऊपर जो है ये लगाऊँगी डड़ों बाल मेरे, एक यहाँ दूसरा वहाँ, ये है कंसीलर, और इसको थोड़ा सा और भरूँगी. और जो मेरे मुँह के ऊपर ये धब्बे हैं यानी ये जो मेरे करतूत मेरे मुँह पे निकले हुए थे वो मैंने इससे ज़रा हाइड किया. इसको अब मैं स्मच करूँगी अपने ये क्या लगाया है मैंने फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, और ये है विक्टोरिया सीक्रेट का फाउंडेशन. और डोंट जस्ट फॉरगेट योर नेक, वरना लोग बोलते हैं अरे मुँह पे इतना मेकअप थोपा हुआ है. ये है कंटोरिंग, नोज़ कंटोरिंग, जो कि मतलब बहुत मुश्किलों से आई है मुझे, बहुत बुरी आती थी बट अब थोड़ी सीख गई हूँ तो अच्छा करते हैं. और हाँ, आईब्रोज से स्टार्ट कीजिए करें अपनी जो नोज़ कंटोर होती है ना ज़रूरी, वरना वो बहुत फेक लुक देता है. और मैं बीच बीच में अपनी बहन से बातें भी कर रही थी क्योंकि वो मुझे आराम से ट्यूटोरियल बनाने देती नहीं है. अभी ये मैंने चिक को अपने लाइनें मार के जो है ना ज़रा इसकी प्रोमिनेंट करी इसकी हड्डी, और अब इसके बाद इसको वो ब्रॉन्ज कर रही हूँ अपने क्रिस्टीन के ब्रॉन्जर से. और अब मैं देखे तो गंदा हो रहा है यार. अब मैं इसको जो है अपना यार ये सब क्यों होता है अंदर ना, इसका मतलब मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, ये इसका मतलब ये होता है. प्लीज़ डोंट जज बाई दिस, हम बस आप मेकअप पे ज़्यादा फोकस करें. अब मैंने ब्लश ऑन लगा दिया है और बड़ा ही कोई पिंकी पिंकी के साथ लुक आ गया है पिंकी. और अब इसको मुझे ज़रा ना लुक साफ़ सुथरा करना था तो मैंने कंसीलर से इसको साफ़ सुथरी लाइन बना के ज़रा सही कर लिया है. और इससे ये हुआ कि बड़ी मतलब साफ़ सुथरा लुक आ गया ना, फैला फैला सा नहीं लगा. अब जो है आपको लेना है अपना स्पॉन्ज, और ऐसे ऐसे टक 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 कर लेना है. यह है शाइनर, इसको कहते हैं शाइनर, आपको पता नहीं क्यों तो बता रही हूँ, इसको कहते हैं शाइनर. और ये लगाने के बाद मैंने खामा का लुक दिया, मुझे पता है इससे शाइनिंग की लुक आनी है, मगर दे दिया खामा का लुक ना. अब इसको मैंने पूरे अपने फेस पे थोप लिया अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम आईब्रोज के ऊपर भी लगा लिया. और जो है क्या नाम है उंगलियों का इस्तेमाल करके मैंने बड़ा बेतुका बन गया, लेकिन बड़ा मज़ा आता मुझे उंगलियों से उसका मतलब स्मच करने से. ये टी सीरीज थी हमारी बेसिकली. अब जो है मुँह पे ये
ये आई लैशेज लगा कर आई हूँ मैं अब, ये आई मैंने लिप पेंसिल लगाई, उसके बाद ये मेरी दोस्त का ग्लॉस है, ये मेरा ग्लॉस नहीं है, ये मेरी दोस्त का मारा हुआ ग्लॉस है, ये अपनी दोस्त का ग्लॉस मैंने लगाया, और मुझे थोड़ा सा न्यूड लुक और चाहिए था तो मैंने इसके ऊपर दोबारा एक और न्यूड ब्राउन कलर लगाया, जिससे एक बहुत ही प्यारा वाइट लुक आ गया मेरे फेस पर। अब ये डड़ूँ हेयर इस मुस्कान आसिफ एंड यू आर जस्ट वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, होप यू लाइक इट, लव इट, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, नहीं सब्सक्राइब टू यूट्यूब में होता है, देख लेना, थैंक।